स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवर्ड। मैं दीपेन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैमवर्ड में। हमने लास्ट लेक्चर तक अपना सेकंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब जो आज हमें नया लेसन स्टार्ट करना है, उस लेसन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मतलब है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो बनता है इलेक्ट्रो और एक बनता है केमिस्ट्री। तो जो इलेक्ट्रो है वो रिलेट करता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। किससे रिलेट करता है? इलेक्ट्रॉन से। और जो केमिस्ट्री रिलेट करता है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है, केमिकल रिएक्शन से। और इस चैप्टर के अंदर हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल रिएक्शन आपस में कैसे इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको हम बताएं तो केमिकल रिएक्शन जो भी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग से ही होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में रहते हैं वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। आपने कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स पढ़ रखे होंगे, जिनमें से कुछ हैं अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो आपको करा सकता हूँ। पहला जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। आपने सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ रखा है। उसके बाद है आपका, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन तरह के जनरली जो बॉन्ड्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कब? जब इलेक्ट्रॉन्स और आपस में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्शंस आपस में क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पास जब जाता है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। वही फिनोमेना हमें इसमें अप्लाई करना है, और हमें पढ़ना है किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो जनरली होता क्या है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होगा, अगर मैं कहूं कि ये मेरी एक वायर है जो आपके सबके घर में होती है, वो वायर है, अगर मैं कहूं कि इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब ये डायरेक्शन कहां से आएगी? माइनस से, और ये कहां आ जाएगा? प्लस की तरफ। आपने 11th में चैप्टर सेकंड में देखा होगा जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में पढ़ाया गया था। कैथोड रेज में होता क्या था? कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ मूव करता था। वही फिनोमेना इसमें अप्लाई हो रही है कि कैथोड से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो एनोड की तरफ जा रहा है। अब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा? इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपने कई बार सर्किट देखा होगा, सर्किट मतलब कोई भी आप जो बोर्ड है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें देखते होंगे कि कोई भी चीज है वो दो होल्स रखते हैं अपने आप में। दो होल्स में जब भी आप कोई प्लग इंसर्ट करते हो तो इन दोनों होल्स में करते हो, उससे होता क्या है कि जो वायर होती है वायर वापस से घूम के वहीं आना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सेकंड वायर है वो इसके दूसरे से अटैच है। इसका मतलब क्या है? क्यों ये अटैच होता है? मीन्स दोनों का जो मूवमेंट होता है वो स्पेसिकली एक सर्किल बनाता है, एक पाथ बनाता है। उससे होता क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जिसको स्मॉल आई या कैपिटल आई से हम दिखा सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। इसके बारे में हम देखेंगे कि हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी कैसे इन्वॉल्व कराते हैं, या फिर हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, उन सब के बारे में ध्यान से देखना है आपको। तो सपोज करो जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या है कि ऐसे दो कंटेनर होते हैं, दो कंटेनर। एक कंटेनर में जड़न SO4 भरा है, क्या भरा है? जड़न SO4। और जो उसका दूसरा कंटेनर है, दूसरा कंटेनर अपने आप में लाई करता है एक दूसरा सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां लेना चाहूं जैसे यहां मैं लेना चाहूं CuSO4, तो ये क्या है? दो अलग अलग सॉल्यूशन भरे हुए हैं कंटेनर में। अब इस कंटेनर में मैं क्या करूं,
ये भरे। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब होता है एक रॉड किसी भी मेटल की। अब जैसे ये ZnSO4 है तो इसमें जो ये इलेक्ट्रोड होगी वो किसकी होगी, जिंक की होगी। और इस वाले में अगर मैं इलेक्ट्रोड लगाना चाहूं तो इस वाले की इलेक्ट्रोड काय की होगी, वो कॉपर की होगी। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने बैटरी की मदद से जोड़ दिया आपस में। अब हुआ क्या कि यहां से एक मैंने ऐसा कनेक्शन बनाया जो क्या करे कि यहां से मूवमेंट करा सके किसी भी चीज का। जनरली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब होगा क्या कि जब जेडन यहाँ पे है तो ZnSO4 का ये सोल्यूशन है, और जैसे ही इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने इसके अंदर क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया, तो इसमें क्या होगा कि जो ZnSO4 है तो ZnSO4 में क्या होगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। Cu क्या करेगा, Cu+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। अब हुआ क्या कि SO4 भी आया, देखो SO4 भी है, अब जो SO4 बचा वो किसमें चला जाएगा, माइनस माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, SO4 किसमें है, SO4 माइनस माइनस में है, और Cu किसमें है, Cu+2 में है, Zn किसमें है, +2 में है। और ये जो मटेरियल है Zn वाला और ये SO4 वाला, क्योंकि SO4 दोनों में कॉमन है, सल्फेट आयन दोनों में कॉमन है, तो इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, Zn+2 और SO4 माइनस माइनस, और इसके अंदर पाया जाएगा Cu+2 और SO4 माइनस माइनस। अब होगा क्या, क्योंकि अगर ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है और ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपने जनरली आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कैट आयन के बारे में, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में एन आयन के बारे में। तो जो कैट आयन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो एन आयन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैथोड की और अगर मैं बात करूँ किसकी, एनोड की, तो इन दोनों में अंतर है। जहां कैथोड या फिर जहां कैटायन पॉजिटिव था, अब यहां कैथोड क्या है, नेगेटिव है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्लीज कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के रहना, बार बार यूज होंगे। जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक मैं कैथोड एनोड का यूज करूंगा और बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जनरली ये माइनस है तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये क्या है, कैथोड है अपनी, और ये क्या है आपकी, ये एनोड है। अब हुआ क्या, माइनस है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में अंदर चले जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जो करंट है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, ये यहां से निकले, इधर से मूव करते हुए इस कंटेनर में आए, और इस कंटेनर में आके जैसे ही ये सॉल्यूशन में माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये Cu+2 वापस से क्या कर लेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और किस में चला जाएगा, Cu में, और इस कैथोड या फिर ये जो एनोड है, इलेक्ट्रोड है, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सेम प्रोसीजर होगा, SO4 माइनस इधर से मूव करेगा और इधर से होते हुए इधर आ जाएगा, तो इधर क्या जा रहा है, SO4 माइनस इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा, तो मूवमेंट क्या होगा, कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आने लगेगा, हम यहाँ से वोल्ट मीटर वगैरह लगा के इसको चेक कर सकते हैं, और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये तो जनरल टर्म था, ये एक सेल के बारे में थोड़ा सा बताया है मैंने। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, कई टाइप के सेल्स होंगे, उनकी फिनोमेना होगी, कभी कभी इस तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कभी कभी इस तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो उन सब चीजों की बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो उसकी इन्वॉल्व होनी है, जो टर्म्स उसके अंदर, तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है, तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical change and electrical change, या फिर कहेंगे स्टडी ऑफ रिएक्शन
स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कह दो, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कह दो, इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. एंड एंड सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, इंटर कन्वर्जन. क्या है? इंटर कन्वर्जन. एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कह सकते. तो ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऐसी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और मेनली फोकस इसमें है इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, उसकी बात करनी है. तो ये तो थे डेफिनेशन. अब हम बात कर लेते हैं जो टर्म्स हमें यूज करने हैं बार बार, उनकी उनके क्या मीन्स. हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ में पढ़ना है रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट आता है, जो टर्म आता है, वो होता है क्या, वो कंडक्टर होता है. कंडक्टर या कंडक्टर्स क्या है, तो कंडक्टर्स क्या है, कौन है कि वो क्या करें, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने दें, या कह सकते हैं विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज क्या, कंडक्टर्स. ये आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो, टेंथ में भी था कंडक्टर्स इंसुलेटर के बारे में. तो कंडक्टर्स क्या है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएं, वो क्या है, कंडक्टर्स. जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं क्या, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, इसलिए ये क्या है, कंडक्टर्स है. अब जब कंडक्टर्स पढ़ लिए हैं तो इसके रिश्तेदार को भी देख लो, और वो क्या है, नॉन कंडक्टर्स. अब जब एक जगह अगर पॉजिटिविटी है तो वहाँ निगेटिविटी भी तो हमेशा आएगी. तो अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर्स की, तो जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं ये अलाउ नहीं करते, या फिर कह सकते हैं नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो अपने अंदर से क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना कराएं, ठीक है, वो क्या है, नॉन कंडक्टर्स है. अब नॉन कंडक्टर्स के अंदर क्या है, उनकी भी बात कर लेते हैं. तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे मेटलिक कंडक्टर के बारे में. मेटलिक कंडक्टर, तो जो मेटलिक कंडक्टर होता है वो क्या करते हैं, मेटल्स के बारे में देखते हैं. मेटल, मेटल क्या है, मेटल हमने अभी तक पढ़ा है कि जो क्या करे, पॉजिटिव या ऐसा करे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे वो क्या है, मेटल है. और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो किसमें बदल जाएगा, वो पॉजिटिव आयन में चला जाएगा. भाई जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने से क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है. जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल मटेरियल, जो भी मेटल या फिर जो भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी को पूरी तरह से, वो क्या लेता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है. जो नॉन मेटल अपने पास वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वो नेगेटिव आयन में आते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया हो. और जो मेटल देते हैं, क्योंकि वो अपनी कमी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो मेटल आयन में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो किसमें होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब जनरेट होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तब होगा. भाई आपने देखा होगा, अगर ये आयरन का एक पीस है, ठीक है,
आप आयरन के इस पीस को इस साइड से क्या करा है, आपने पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है यहाँ से, और आपने यहाँ इसको क्या कर दिया है, गर्म कर रहे हैं। होगा क्या, धीरे 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 आपको यहाँ भी गर्म महसूस होगा। भाई यहाँ क्यों हो गया, हमने तो इस सरफेस पे गर्म किया है उसको, इस सरफेस पे हीट किया है, लेकिन हीट हमें यहाँ पे फील हो रही है जहाँ पे हम इसको पकड़ के रखे हैं। हुआ क्या कि जो मेटल की पीस के ऊपरी सतह पर क्या है, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे ऐसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, तो यहाँ से हीट जनरेट होगी, तो जो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, और इस तरह वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करेंगे, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से जो जनरेट होता है कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहते हैं क्या, मेटलिक कंडक्टर, क्या कहते हैं, मेटलिक कंडक्टर। इसके बाद जो प्रोसेस आती है, इसके बाद प्रोसेस हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, इसकी प्रोसेस देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है कि जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, अब कंटेनर में कोई सॉल्यूशन भरा है, सपोज NaCl भरा हुआ है, फिल है, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया तो वो NaCl कंबाइंड रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया, तो ये क्या होगा, Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर अगर मैं NaCl ना भी लूँ, अगर मैं CuSO4 जैसे अभी मैंने लिया था ले लूँ, या फिर मैं ZnSO4 ले लूँ, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, ये क्या करेंगे, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, एसिड ले लो, बेस ले लो, सॉल्ट ले लो, सॉल्ट तो ले ही चुके हैं NaCl, बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NaAOH, NaOH में जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हुई। अगर एसिड का एग्जांपल ले लो तो CH3COOH ले लो, इसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो ये भी टूट जाएगा, इसमें CH3COO- और H+ में, तो ये जब आयंस में ब्रेक हो जाए, कोई भी एसिड बेस और सॉल्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, अपने आयंस में बदल जाए, तो उसको कहते हैं क्या है आप, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं तुरंत ही डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, डाउट ही क्लियर करने तो बैठे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी टर्म यूज करी कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की टर्म यूज की है। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, पहला एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग और वीक का, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो ब्रेक करने पर, जो आयंस में ब्रेक करने पर वापस से अपने पहले वाले आयंस में ना जा पाए, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जो क्या हो जाए, 100% क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अगर वीक की बात करें तो जैसे अगर हम CH3COOH को ब्रेक करवाएं तो वो CH3COO- और H+ में टूटता है, लेकिन ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, ये वापस आ सकता है और वापस से अपना कंपाउंड बना सकता है। तो क्योंकि ये कंप्लीट ब्रेक नहीं होता इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। वीक के और भी एग्जाम्पल है, जैसे NH4OH, NH4OH को जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा किसमें, NH4+ में और OH- में। अब क्योंकि NH4+ क्या है, अनस्टेबल है, ये फिर से इससे रिएक्शन करके वापस से NH4OH बना लेता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक बार ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से अपने क्या करे, फिर से अपनी स्टेट में आ जाए जिसमें पहले था, तो वो कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर वो 100% ब्रेक हो जाए, वापस से हम जनरेट नहीं कर पाए उसी प्रोसेस में, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये टर्म भी आप लास्ट क्लास में 11th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार इसको रिवाइज करा दिया है,
अब इसके बाद जो टर्म आनी है वो आनी है टर्म किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की। तो आपने 11th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ रखा है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो। तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का और क्या मतलब है रिडक्शन का। तो जनरली आपने देखा है क्या कि अगर आप एडिशन कर दो किसका, ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या कर दोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, वो रिडक्शन। लेकिन आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या डोनेट करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिलीज करे या फिर डोनेट करे। जैसे हमने अभी देखा था ZnSO4 में कि ZN किस में चला गया था, ZN+2 में कन्वर्ट हो गया था और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए थे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वाली। तो हम कह सकते हैं यहाँ ZN क्या हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर मैं कहूँ कि रिडक्शन में क्या होगा, तो क्योंकि इसने रिलीज किए हैं तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर एक प्रोसीजर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा, उसको ले रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे Zn+2 आया तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जो Cu+2 था उस Cu+2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। तो यहाँ कहेंगे क्या कि कॉपर यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। Cu+2 यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। और इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। तो हम देखेंगे ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, वो कहलाती है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं कि Zn+Cu+2 अगर इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो ये Cu में बदल जाएगा और ये Zn+2 में बदल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ इसका रिडक्शन हुआ है। और इस पूरे कंबाइंड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया, बोलो भाई समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब जो टर्म यूज होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनको देखना होगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले ओम्स लॉ। क्या देखेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया जिसका नाम पड़ गया क्या, ओम्स लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वो किस, क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। अब भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जैसे हमने इस डायरेक्ट इधर से इधर के बीच में एक वायर रखी है, तो यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ का कुछ ना कुछ। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वी है, वी से डिनोट करते हैं, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट किसके, आई के। अब क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन आया है तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे क्या, आर। आर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू देखें तो आर इक्वल क्या होगा, वी बाय आई। तो ये क्या है, ये ओम्स लॉ है जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये फिर से यहीं पे आ गया है, आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। अब जो इसकी यूनिट है, अगर मैं यूनिट कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो होगी वोल्ट। और अगर मैं इसकी आई के यूनिट की बात करूँ, जब मैं फिर आर की यूनिट की बात करूँ, तो जो आर की यूनिट होने वाली है, आर की यूनिट क्या होगी भाई, आई की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब आर की यूनिट क्या है, यहाँ पे ओम, क्या आएगी वो, ओम। और ओम का सिंबल होता है ये, ठीक है।
तो ये क्या है, ओम्स लॉ है, जिसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। भाई जितना डिफरेंस उतना ही आएगा ना, जितना इसके अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। इसलिए वो क्या है, एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटा के हमने क्या लिया है, आर लिया है। आर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम आगे रेजिस्टेंस के नाम से भी देखेंगे। तो जो अगली टर्म है आपकी वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में देख लो। रेजिस्टेंस, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी यहां से यहां तक की क्या है, एक वायर है, ठीक है, जिसकी यहां से यहां तक की लेंथ एल है। लेंथ क्या है, एल है। और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जो वायर होती है वो स्फेरिकल होती है ऐसे, तो यहाँ का जो जितना एरिया होगा इसका, उसको कहेंगे क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसको डिनोट करेंगे किससे, ए से। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके होगा, एल बाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक नई टर्म आएगी जिसको बोलेंगे रो। इसका नाम क्या है, रो। इसका क्या नाम है, इसका, इसको कहते हैं रो, आर एच ओ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, R A डिवाइडेड बाय L। अब रो क्या है, यहाँ पे अगर हम क्या ले लें, यहाँ हम जो लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर ले लें, और जो एरिया है, लेंथ कितनी ले ली, 1 सेंटीमीटर ले ली, और जो एरिया है उसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लिया, या फिर 1 स्क्वायर ले लिया, तो जो आपका रो है, जो आपका रो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, भाई इसकी जगह एक रख दोगे, इसकी जगह एक रख दोगे तो बचेगा क्या, आर। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, रो इक्वल हो जाएगा किसके, आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्योंकि आर की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया कितना है, एरिया भाई किस में आ गया, एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट ऑफ रो, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी क्या, ओम सेंटीमीटर। क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर। और ये रो को यहाँ पे क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको नोट कर दो, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम सेंटीमीटर रहती है। तो आई होप आज को आपका, आज आपको जो हमारा लेक्चर है वो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती रहेंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक नोटिफिकेशन ये है कि जो CBSE बोर्ड है उसने ये अनाउंस किया है कि जो 10th के पेपर हैं वो नहीं होंगे। हाँ जी, सही सुना, 10th के जितने भी एग्जाम है CBSE बोर्ड के वो नहीं होने वाले, ओनली ऑन होंगे एग्जाम केवल जो 12th वाले हैं। तो 12th वालों के कोई से एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, वो होंगे, भले ही जितना टाइम लग जाए, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके बाद होंगे, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे। अब क्योंकि CBSE बोर्ड के जैसे ही MP बोर्ड चलता है, तो वैसे ही इनमें भी वैसे ही चलना है, वैसे ही प्रोसीजर होना है। तो बने रहिए कैमवर्ड के साथ, मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी।